फेसबुक कथित तौर पर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की जातीय संहार पर लिखे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की पोस्ट हटा रहा है और इन कार्यकर्ताओं के अकाउंट तक डिलीट कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके अकाउंट को बंद किया जा रहा है या पोस्ट को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फेसबुक उन्हें सच बोलने देगा। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मानता है, जबकि बांग्लादेश उन्हें म्यांमार का नागरिक ही मानता है। म्यांमार की सरकार रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, उनको एक आधिकारिक जाति के रूप में मान्यता नहीं देती, जिसका मतलब है कि उन्हें नागरिकता नहीं दी गई है और जिसका अर्थ यह है कि रोहिंग्या एक तरह से देशविहीन हो गए। उनके पास इस वक्त दुनिया के किसी देश की नागरिकता ही नहीं है। फेसबुक की प्रवक्ता रुचिका बुधराज ने बुधवार को डेली बीस से कहा कि हम चाहते हैं कि फेसबुक एक ऐसी जगह बने जहां लोग विश्वसनीय ढंग से चीजें साझा करें। हम अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने और साथ ही सुरक्षा एवं सम्मानजनक अनुभव देते रहने के सही संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। SPNI न्यूज के लिए काशिफ की रिपोर्ट।